इंडियन सिनेमा में कलाकारों की तो कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बहुत वर्सटाइल हैं और एक्टिंग और प्रतिभा का पावर हाउस भी कह सकते हैं इनको। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली विक्की कौशल की, जिनकी एक मूवी का टीजर पहले रिलीज हुआ था द सैम बहादुर, और अब ट्रेलर आ गया है मूवी का। तो ट्रेलर में भी हमको एज यूजुअल देखिए, ये भी एक बायोपिक है, तो उनकी एक जीवनी, जो इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे, उन्होंने इंडिया को लीड किया था कारगिल के अगेंस्ट, जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसको लीड किया था, वही सारी स्टोरी इसमें दिखाई जाएगी उनकी बायोपिक को लेकर के। और जो ट्रेलर आया उसमें उनके उस स्वभाव को दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने एक जज्बा लेकर के, एक विश्वास लेकर के कि हमारे आगे कोई नहीं है, वो चीज उसमें दिखाई गई है। जब वो बात करते हैं इंदिरा गांधी से कि हमारा काम है, हम है सैनिक, तो हमारा काम है देश की रक्षा करना और आपका काम है राजनीति करना, तो ये जो डायलॉग था वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि सही बात है, जिसका जो काम हो अगर वही वो मन लगाकर करे तो बखूबी कर सकता है, ये चीज इस मूवी में भी दिखाई गई है। और ये एक पर्सनल जो उनका व्यक्तित्व तो है, जो उनका नेचर है, वो भी उसमें दिखाया गया कि वो किस तरह के इंसान थे, तो ये सारा कुछ इस मूवी में दिखाया जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी थी हमारे इंडिया की, तो उनके बारे में भी जानने को मिलेगा। तो मूवी का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, ट्रेलर में भी जो है पूरा उनके बारे में दिखाया गया और देख करके मजा आया। अब मूवी रिलीज हो रही है 1 दिसंबर को। अभी एक और मूवी, पहले भी पैट्रियोटिक मूवी कंगना रनौत की रिलीज हुई थी, वो तो फ्लॉप हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा मजा नहीं आया, क्योंकि उनकी एक्टिंग तो अच्छी थी लेकिन जो डायरेक्टर थे वो जो है उसको सही से दर्शा नहीं पाए। लेकिन इस ट्रेलर को देख करके भाई कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी जबरदस्त एक्टिंग ट्रेलर में ही आप देखेंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि ये जो है विक्की कौशल ही है, आपको लगेगा सच में सैम बहादुर है ये। तो मुझे लगता है मूवी जबरदस्त होगी और एक नई स्टोरी, एक नए बायोपिक देखने को मिलेगी, जिससे हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा अपनी जिंदगी में। तो इंतजार करते हैं 1 तारीख का मूवी आने के बाद, इस पे फिर से बात करेंगे। नमस्कार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।